तो कुछ सालों पहले सोनी ने फनीमेशन में एक कंट्रोलिंग स्टेक खरीद लिया था। उसके बाद पिछले साल सोनी ने क्रंचीरोल को खरीद लिया एटीएनटी से, जो कि एचबीओ मैक्स को ओन करती है। तो यहाँ पे जिन लोगों को नहीं पता, फनीमेशन भी क्रंचीरोल की तरह ही एक एनिमे बेस्ड कंपनी है, जो कि एनिमे को डब करती है और जापान से एनिमे को लेकर अलग अलग कंट्रीज में शो करती है। तो क्रंची रोल यहाँ पे इंडिया में अवेलेबल था, लेकिन फनीमेशन जो है इंडिया में अवेलेबल नहीं था। तो यहाँ पे इन दोनों स्ट्रीमिंग सर्विसेज को सोनी ने खरीद लिया, फनीमेशन और क्रंची रोल को, और यहाँ पे फाइनली इन दोनों को मर्ज कर दिया। तो मर्ज करने के बाद यहाँ पे ये जो फनीमेशन नाम है इसको पूरी तरह से हटा रहे हैं। अब जो है जो फाइनल स्ट्रीमिंग सर्विस बना है उसका नाम होगा क्रंची रोल, और उसमें जितने भी एनिमे शोज थे फनीमेशन पे वो सब अवेलेबल होंगे। तो यहाँ पे ये दुनिया की सबसे बड़ी एनिमे स्ट्रीमिंग सर्विस बन जाएगी, या फिर बन चुकी है बोल सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ यूएस के लिए है, क्योंकि यूएस में तो बहुत सारे एनिमे शोज आ रहे हैं फनीमेशन से क्रंची रोल में, इंडिया का क्या? तो क्रंची रोल इंडिया में भी कुछ नए एनिमे शोज आए हैं, बहुत कम मात्रा में आए हैं। मतलब जितने क्रंची रोल यूएस में आए हैं उसके मुकाबले तो बहुत कम ही हैं। तो लेकिन फिर भी आए हैं यहाँ पे। इनमें से कुछ का नाम है होरी मिया, बॉटम टियर कैरेक्टर तोमोजाकी, और लॉग होराइजन, वीवी, एटसेट्रा। तो यहाँ पे ये मुझे अच्छा लगा कि होरी मिया भी क्रंची रोल इंडिया पे अवेलेबल हो गया है, क्योंकि वन ऑफ माई फेवरेट्स है होरी मिया। तो ये कुछ एनिमे शोज तो आए हैं, कुछ के डब्स अवेलेबल हो गए हैं, और यहाँ पे ये जो नए एनिमे शोज हैं इनमें भी सब चीज़ें अवेलेबल नहीं है। किसी का सब ही अवेलेबल है, किसी का डब ही अवेलेबल है, इस टाइप से। और जो जो चीज़ें मिसिंग थी पहले, जैसे कई लोग का डब मिसिंग था, उनमें से एक दो का छोड़ के अभी भी बाकी चीज़ें मिसिंग ही हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये मर्जर से सब सॉल्व हो गया है। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे जितने भी नए एनिमे शोज आए हैं क्रंची रोल पे, ये सब सिर्फ उसके सब्सक्राइबर्स के लिए ही हैं। मतलब अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको नहीं देख पाएंगे। और सब्सक्रिप्शन के बारे में बात हो ही गई है तो ये क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं कि क्या ये वर्थ इट हो गया है इंडिया में। वेल, मैंने कुछ टाइम पहले ही क्रंचीरोल का रिव्यू वीडियो डाला था 2022 का, तो उसमें मैंने बेसिकली कहा था कि वर्थ इट नहीं है, और अभी भी मैं यही कहूंगा कि वर्थ इट नहीं है, क्योंकि इसका प्राइस 690 पर मंथ से शुरू होता है इंडिया में, और इसमें अभी भी कई चीज़ें मिसिंग हैं। और अगर एक बार के लिए हम मान भी लें कि क्रंचीरोल इंडिया पे सभी कंटेंट अवेलेबल हो गया है, जितना यूएस में अवेलेबल है उतना यहाँ भी हो गया है, तो भी मुझे इसका प्राइस पसंद नहीं आएगा। मुझे जो लगता है आइडियल प्राइस होना चाहिए क्रंचीरोल का, अगर सब एनिमे शोज अवेलेबल हैं उसमें, जितने यूएस में अवेलेबल हैं उतने अवेलेबल हैं इंडिया में भी, तो 500 रुपीज़ मुझे इसका आइडियल प्राइस सही लगता है, जो मैक्सिमम प्राइस, वो भी मिनिमम नहीं। मतलब उसमें आपको जितने भी फीचर्स हैं क्रंची रोल के सभी मिल रहे हैं, क्योंकि 690 भले ही सब कंटेंट जोड़ भी दोगे तो भी ज़्यादा हो जाता है। हालांकि ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, हो सकता है आपका ओपिनियन कुछ अलग हो, तो आप अपना ओपिनियन कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि क्रंची रोल का प्राइस कितना होना चाहिए इंडिया में। और क्रंची रोल इंडिया में इंप्रूवमेंट्स तो आए हैं इस सीज़न, बस देखना यह है कि अगले सीजन जो स्प्रिंग का सीजन रहेगा उसमें क्रंचीरोल इंडिया में कितने शोज अवेलेबल होने वाले हैं सिम्यूलकास्ट में, क्योंकि सिम्यूलकास्ट को एक हफ्ते बाद आप फ्री में भी देख सकते हैं। और साथ ही ये जो नए एनिमे शोज आए हैं इसमें, ये सब हमेशा पेड ही रहने वाला है या फिर कभी ना कभी फ्री होंगे, उसको भी देखना पड़ेगा। तो या क्रंचीरोल इंडिया में 8-9 एनिमे शोज आने के अलावा और कुछ मेजर चेंजेस नहीं हुए हैं। तो आपको क्या लगता है इस मर्जर के बारे में, जो भी आपके थॉट्स हैं कमेंट्स में जरूर बताएं। और इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग टेक्नो वैभव।